सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ आई गॉट इंटर्नशिप एट गीक्स फॉर गीक्स एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। तो इस वीडियो में हम उस सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे, लाइक हाउ आई गॉट इंटर्नशिप थ्रू एट गीक फॉर गीक्स एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप, एंड जो भी सब चीज़ें होंगी हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप एट गीक्स फॉर गीक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डू वॉच दिस फुल वीडियो। सो गाइस, जो ये इंटर्नशिप है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इंटर्नशिप एक टेक्निकल कंटेंट राइटर की है, जिसमें आपको टेक्निकल कंटेंट लिखना होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको C++ आती है तो आपको C++ पे आर्टिकल लिखने होंगे, और या अगर आपको जावा या फिर कोई और लैंग्वेज या फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आते हैं तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखने होंगे, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक पर तो उस पर आपको आर्टिकल लिखने, एंड उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पर आर्टिकल लिख पाएंगे और तभी आपको वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 आर्टिकल्स लिखने होंगे, टेक्निकल आर्टिकल्स, इनकी वेबसाइट पर। आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, पर वो जो टॉपिक होगा जिस पर आप लिखेंगे आर्टिकल, वो पहले से उनकी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश नहीं होना चाहिए, तभी आप वो आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर वो आर्टिकल पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप वो आपके आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे और आपको किसी और टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होगा, तो आपको वो पहले से सोचना होगा और उनकी वेबसाइट पर देखना होगा कि वो पहले से आर्टिकल एग्जिस्ट है कि नहीं। तो उसके बाद जैसे आप वहाँ पर 2 से 3 आर्टिकल लिख देते हो और वो उनके और जो आर्टिकल आपने लिखे हैं वो पब्लिश हो जाते हैं उनकी वेबसाइट पर, तो आप उनकी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर एंड रिव्यूअर। तो उस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए आपको उनकी मेल है उनकी, तो उस मेल पर आपको उनको अपने जो भी आपने 2 to 3 आर्टिकल्स लिखे हैं वो, और उसके साथ में एक रिज्यूम आपका अपना, तो उसके साथ आपको उनको एक मेल कर देना है दैट यू विल बी अप्लाइंग फॉर टेक्निकल कंटेंट राइटर एंड रिव्यूअर इंटर्नशिप, और ये मेरे आर्टिकल्स हैं और ये मेरा रिज्यूम है। तो उसके हिसाब से फिर वो आपको तो फिर जैसे आप उनको मेल कर देते हैं तो वो आपके पास मेल आ जाएगा, अगर आपके वो आर्टिकल सही लिखे होंगे और पब्लिश हो जाते हैं तो आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर लेटर दे देंगे, और फिर आप अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट कर सकते हैं उसी जिस दिन आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, तो तभी से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसमें 10 आर्टिकल्स आपके पब्लिश हो जाते हैं इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में, तो वो आपको एक कम्प्लीशन लेटर देंगे कि दैट यू हैव कम्प्लीटेड दिस इंटर्नशिप फॉर द ड्यूरेशन दे, एंड अगर आपके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लाइक 30+ 40+, तो आप उन आर्टिकल को रिव्यू भी कर सकते हैं और फिर आप टेक्निकल कंटेंट रिव्यू भी बन जाएंगे, तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। पर अभी टेक्निकल कंटेंट राइटर की बात कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन मिलेगा इंटर्नशिप का, आपको इसमें ये पेड होती है इंटर्नशिप स्टाइपेंड, तो इनके स्टाइपेंड जो है वो 300 to 700 रुपीज़ आर्टिकल पर आर्टिकल इनके डिपेंड करता है। अगर आपका आर्टिकल शॉर्ट होगा तो उसके हिसाब से ये आपको पेमेंट देंगे उसकी, तो जो इनकी रेंज है स्टाइपेंड की वो 300 to 700 पर आर्टिकल, तो वो उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे जो भी आपका होगा, और मिनिमम पेमेंट लेने के लिए आपको 10 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे इनकी वेबसाइट पर, तभी वो आप उसकी उन आर्टिकल्स की पेमेंट ले सकते हैं इनसे। तो ये तो इनका स्टाइपेंड है, बाकी इनकी वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोल रखा है एलिजिबिलिटी और वो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। सो गाइस, ये यहाँ पर लिखा है जैसे हाउ टू गेट टेक्निकल कंटेंट राइटर इंटर्नशिप एट गीक्स फॉर गीक्स, तो यहाँ पर लिखा है जैसे दे आर अवेलेबल एट गीक्स फॉर गीक्स राउंड द ईयर एंड ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर गुड इन राइटिंग एंड द सेम टाइम दे आर नॉलेजेबल इनफ टू गेट टू राइट अबाउट दी पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो मैंने आपको बता दी, जैसे आपको इन नॉलेज अच्छी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तभी आप वहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैसे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर लिखा है आपको कोई टॉपिक सोचना है और उस पर आर्टिकल लिखने हैं 2 से 3, फिर आप उनको यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं, और फिर जैसे आप उन आपके आर्टिकल 3 आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं तो आपको उनको एक अपने रिज्यूम और उन 3 आर्टिकल के लिंक के साथ उनको इस मेल पर मेल कर देना है, और आपको सब्जेक्ट लाइन ये रखनी है टेक्निकल कंटेंट राइटर एंड रिव्यूअर, तो आपको उसको उनको ये अप्लाई कर देना है इन सब चीज़ों के साथ। और यहाँ पर लिखा जाए स्टाइपेंड, तो मैंने आपको जैसे बताया कि उनका स्टाइपेंड जो है वो लाई करता है 300 to 700 पर आर्टिकल, तो उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। एंड अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा जाता है व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो ये आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, जैसे आप आर्टिकल्स लिखेंगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी जैसे आप उन टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखते हैं। रिज्यूम में आपको दिखा सकते हैं दैट यू हैव कम्प्लीटेड दिस इंटर्नशिप एट गीक्स फॉर गीक्स,
एंड यहाँ पे लिखा वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, सो लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. सर्टिफिकेट देंगे फॉर ऑल द ड्यूरेशन यू राइट. यू विल गेट फीडबैक अकॉर्डिंग टू लाइक आपने सही लिखा या नहीं लिखा, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आपको फीडबैक मिलते रहेंगे. ऑल्सो यहाँ पर आप गीक ऑफ द मंथ अवार्ड भी जीत सकते हैं. तो यहाँ पर इनके पहले लिखे हैं कंटेंट राइटर इंटर्न्स इन पास्ट, तो इनको भी ये वो इंटर्न्स हैं जिनको गीक ऑफ द मंथ मिला है अवार्ड, तो वो उन्होंने यहाँ लिख रखा है. सो गाइस ये इंटर्नशिप है, बहुत अच्छी इंटर्नशिप है अगर आप करना चाहें. ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें इनकी यहाँ पर लिखा है ये टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर की लिखी है, पर ये राइटर की भी सेम ही ऐसी होती है. ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पर लिखा है 6 to 12 months. आप वही स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस, आपके ये स्किल्स होनी चाहिए. और जो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो तभी हो जाती है जब आपके पास ऑफर लेटर आया था, तभी से आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये इनकी इंटर्नशिप के बारे में. तो गाइज मेरे आप मेरे भी आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं जो मैंने इनकी वेबसाइट पर लिखे हैं, तो उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं और कैसे कैसे मैंने आर्टिकल लिखे हैं. सो गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि हाउ यू कैन राइट आर्टिकल्स ऑन दिस वेबसाइट, तो मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है एक टेक्निकल स्क्रिप्टर इवेंट की, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो उसकी मैंने वहाँ पर दिखा रखा है कि हाउ यू कैन राइट आर्टिकल्स ऑन दिस, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे आर्टिकल लिखने होते हैं उनकी वेबसाइट पर. तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. सो गाइस इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.